आपके सामने लेके आया, ये अनबॉक्सिंग का है, यूनिटी का UT123D इसका मॉडल नंबर है। इसमें क्या खास बात है वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। इसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, एक अच्छी खासी प्रोब है और ये मीटर है, ठीक है। इसमें खासियत क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर NCV करके एक पॉइंट दिया हुआ, ये सेंसर है, स्कैनर है, ये स्कैन करता है लाइव रेंज को, ठीक है। तो पहले मैं यही आपको स्कैन करके बता देता हूँ। यहाँ पर पावर की और मोड की एक ही स्विच में है। पावर की के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है और ऑन होने के बाद मोड की 1x1 आपको प्रेस करके छोड़ना है, ठीक है। तो पावर की दबा के रखने से ये ऑन होता है इस तरह से, ठीक है। सो सबसे पहले हम NCV का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर EF मतलब NCV है, ठीक है। देखो ये जैसे ही हम लाइव वायर के पास जाएंगे, यहाँ पर लाइव एरिया अगर जो क्लियर है तो इस तरह से ये बीप साउंड के साथ ग्रीन लाइट फ्लिकर करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपकी केबल वगैरह भी चेक करने के लिए इजी है। अभी मैं केबल दिखा देता हूँ आपको कैसे चेक होगी। लाइव से ही ओपन होता है वायर, तो अगर जो हमें केबल चेक करनी हो तो वो किस तरह से चेक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव वायर यहाँ तक कनेक्ट हो गया है, ठीक है। मतलब ये वायर कंप्लीट है ये बता रहा है, ठीक है। हमें बिना टच किए, बिना प्रोब को लगाए चेक करने की एक आज़ादी मिल गई इस मीटर से, वो है EF NCV में। फर्स्ट रेंज है वोल्ट मीटर की, AC रेंज की, ठीक है। सो AC रेंज हम चेक करके बता देते हैं आपको किस तरह से है। इसमें AC में 0.6 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट AC आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोब भी बहुत अच्छी आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसुलेशन है ऊपर के एरिया में, ठीक है, और अंदर का एरिया टच होने के बाद कॉन्टैक्ट अच्छा खासा देता है। सो यहाँ पर फिक्स कर लेना है हमें इस तरह से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें ये वाली जो रेंज है AC रेंज कैसी काम कर रही है। तो उसके लिए मैं मेन जो आउट करके बता देता हूँ। सो ये बता रहा है 247.3 वोल्ट AC, ठीक है। सो यहाँ पर हम आप 600 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं वोल्टेज क्या बता रहा है। सो ये बता रहा है 1.5 वोल्ट, ओके कंप्लीट है। सो यहाँ पर DC वोल्ट की रेंज भी परफेक्ट है। अभी हम देख लेते हैं 1 mA और 10 A तक की इसकी AC और DC करंट रेंज है। 1 mA से लेके मैक्सिमम 10 A तक आप चेक कर सकते हैं। तो हम अभी चेक कर लेते हैं ये इसमें एम्पियर किस तरह से चेक होगा। सो मीटर की प्रोब को mA और एम्पियर में रखना है, ठीक है। इस तरह से लगाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर अपने आप ही ये चेंज हो गया, mA शो कर रहा है अभी। DC अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा, इसमें अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ये प्रोब टच करता हूँ तो 241 mA करंट बता रहा है, DC शो कर रहा है अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 DC। तो ये ऑटो करेक्शन मोड है, इसमें विदाउट कनेक्टिंग मतलब मीटर में mA में शो करेगा और AC शो करेगा जैसे हम लगाएंगे DC। तो इसमें mA AC और DC दोनों ही हम एक कॉमन रेंज में चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना शो कर रहा है DC पावर सप्लाई, ये शो कर रहा है 0.24 A, ओके। सो इसको mA में बोलना है तो ये क्या बोलेंगे, 240 mA। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 241 mA शो कर रहा है ना। तो ये क्लियर हो जाता है कि इसमें जो रेंज है वो एकदम परफेक्ट है। आपको जो ये रीडिंग बता रहा है सेम रीडिंग यहाँ पर बता रहा है। सो सभी रेंज परफेक्ट है इसमें। और हाँ, एक बार आपने mA रख दिया उसके बाद ये चेंज नहीं होगा तो एक्सीडेंटली आप गलत जगह पे नहीं चले जाएंगे। तो एक्सीडेंटली जो वोल्टेज चेक करते वक्त mA में रख के चेक करते हैं और आपका मीटर ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें mA और एम्पियर के लिए कॉमन रेंज है और ऑटो सिलेक्शन है। ये एक अच्छी रेंज मुझे लगी जिससे कि आप मीटर जो है ख़राब नहीं होगा आपका, ओके। इस मीटर में आप 0.1 ओम से लेके 40 MΩ तक आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर पहली रेंज जो आ रही है वो 0.1
एल लिखा हुआ है ना मेगा ओम्स में, मतलब अभी ओपन बता रहा है रीडिंग। जैसे ही हम रेजिस्टेंस के साथ लगाते हैं क्या रीडिंग देता है देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, देखो ये ऑटो रेंज वाले मीटर में आपको हाथ नहीं लगाना है, तो ये कोई रीडिंग देगा और आपकी एक्चुअल रीडिंग से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिना हाथ को टच किए यहाँ पर चेक करना है, ये 67 के का रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस भी अच्छी मेज़र कर लेता है। अब हम आपको डायोड कैसे चेक करते हैं वो बता देते हैं। वन बाई वन आपको चेंज करना है जब तक कि आपको यहाँ पर डायोड का निशान नहीं दिख जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड की रेंज भी है। और डायोड कैसे चेक करेंगे, डायोड चेक करने के लिए प्लस टर्मिनल हमारा यहाँ रहेगा एनोड पे और माइनस टर्मिनल यहाँ पर। सो ये क्या बता रहा है, 0.188, ठीक है, मतलब परफेक्ट रीडिंग बता रहा है। उल्टा चेक करने पर ये नहीं बताएगा। तो डायोड टेस्ट की रीडिंग भी ये अच्छे से बता। आईसी के अंदर वीसीसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड होगा, जैसे मान लो कि आईसी के अंदर ये डायोड लगा हुआ है, ये किस तरह से लगा हुआ होगा, प्लस वाला हिस्सा ग्राउंड की तरफ और माइनस वाला हिस्सा प्लस वोल्टेज। मान लो कि ये 3.3 वोल्ट की लाइन हम ट्रेस कर रहे हैं, तो ये मैंने ग्राउंड पे टच किया, इस तरह से हम डायोड की रेंज चेक कर पाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी रेंज है डायोड की और ये एक्यूरेट वैल्यू भी बता रहा है। कंटिन्यूटी की रेंज में 0 ओम से लेके 30 ओम्स तक कंटिन्यूटी ये दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, हम कंटिन्यूटी में ले लेते हैं मीटर को, ठीक है। ये कंटिन्यूटी और ओम्स बता रहा है। यहाँ पर 0 ओम से लेके 30 ओम्स तक आप मेज़र भी कर सकते हैं, साथ में कंटिन्यूटी भी ले सकते हैं। इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है ठीक से। सो ये कंटिन्यूटी की रेंज के लिए भी बेस्ट मीटर है। जहाँ पर आपको ट्रेसिंग करना होता है सर्किट को, उसके लिए बेस्ट रेंज यहाँ पर कंटिन्यूटी की है, जिसमें 0 से 30 ओम्स तक की कंटिन्यूटी सुनाई देगी। यहाँ पर पीएफ चेक कर लेते हैं, जिसकी रेंज है 1 नैनोफेरेड से लेके 4000 माइक्रोफेरेड तक ये मीटर चेक कर सकता है, 1K, ठीक है ना, 0.99 मतलब 1 NF, या तो 1 KPF बोल सकते हैं। सो ये बता रहा है 102 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर आप 4000 माइक्रोफेरेड तक आप चेक कर सकते हैं। तो ये था इस मीटर के बारे में जानकारी, जो कि बढ़िया मीटर है और इस रेंज में आने वाला जो मीटर है ये बहुत ही बढ़िया है। मीटर को खरीदने के लिए आपको सोलेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो कि चांदनी चौक कोलकाता में है, भीमला चौक में, ठीक है। और नंबर मैंने नीचे स्क्रॉलिंग में दिया हुआ है और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, जहां से कॉन्टैक्ट करके आप ये मीटर मंगा सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।